बलिया से। बलिया जिला के रसना में शुक्रवार को रसना विधानसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद चौराहे के समीप आम आदमी पार्टी कार्यालय पर विधानसभा रसना प्रभारी अमरीश चौबे के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाए जाने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान अमरीश चौबे ने कहा कि पंजाब चुनाव से साबित कर दिया गया है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का ही होगा। देश की जनता अब आप पार्टी की ओर देख रही है। इस मौके पर दिलीप सिंह, बबलू राजभर, मुरली सिंह, विनोद राजभर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। चौबे पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, प्रभारी आम आदमी पार्टी 358 विधानसभा रसाड़ा। कैसा कार्यक्रम अपने कार्यालय पर रखा गया? ये रसाड़ा आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पंजाब में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इसके उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम लोगों ने पार्टी कार्यालय पर एक छोटी सी खुशी अपनी जाहिर की है पंजाब को लेकर। अब धीरे धीरे सभी लोगों से अपील और आग्रह करेंगे कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत। पंजाब में आपकी सरकार बनने से आप क्या संदेश दे रहे हैं? पंजाब में हमारी सरकार पिछली बार 2017 के चुनाव में लड़ी थी, जिसमें 10 सीट जीत करके आई थी, लेकिन 5 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व ने वहाँ इतना अच्छा काम किया कि हम लोग 2022 के चुनाव में वहाँ 93 सीट जीत करके पूर्ण प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाए हैं हम लोगों ने। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।